मजा ही कुछ और था। अगर ऐसा रोड आपको मिल जाए चलाने के लिए तो मजे ही मजे हो जाते हैं। और गाड़ी भी नमस्कार, कैसे हैं? हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। भाई पीछे खड़ी है हमारे पास कोमा की फ्लोरा, आपको दिख रही होगी। तो आज इसका वीडियो स्पेशल इसलिए बनाया क्योंकि अभी इसकी प्राइस काफी कम हो चुकी है। यानी कि बात करूं इसकी प्राइस की तो मात्र 65,000 में आपको लिथियम फेरोफास्फेट बैटरी के साथ अब आ रही है। 3 साल की वारंटी इसके अंदर आ रही है और 80 से 100 किलोमीटर आपको रेंज मिल जाती है यहाँ पर इको मोड पर। तो भाई गाड़ी पीछे खड़ी है, ऑन रोड प्राइस आपको मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। पहले आपको मैं गाड़ी दिखा दूँ, टेस्ट राइड भी कर दूँ कि अब इसकी टॉप स्पीड क्या जाती है जब से इसकी प्राइस कम हुई है। मोटर इसकी वही आपको मिल जाती है 3000 की। घाट सेक्शन पर कोई दिक्कत आने वाली तो नहीं है आपको। फिर भी आपको मैं गाड़ी आज पास से दिखाने वाला हूँ, उससे थोड़े से फीचर बता देता हूँ फटाफट से और ऑन रोड प्राइस आपको बताता हूँ। फिलहाल गाड़ी जो लगी है मेरे पास एसरी फिटेड है, आप एसरी अपने हिसाब से आपको जो कन्वीनियंट हो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए गाड़ी आपको मैं एक बार पास से यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यू कैन सी ये गाड़ी है भाई कोमा की फ्लोरा, आपने यहाँ पे देखी होगी। इस तरह से कुछ गाड़ी का लुक यहाँ पर आपको दिखता है। अभी एसरी लगाई, थोड़ा सा गाड़ी थोड़ी सी बड़ी दिखने लगी है। बाकी इसमें राइडिंग कंफर्ट काफी शानदार रहता है। आगे देखिए जगह भी अच्छी है और सीट काफी बड़ी रहती है। तो फटाफट से मैं सीट आपको अनलॉक करके दिखा देता हूँ। इसकी प्लास्टिक हटाकर देखिए सीट कितनी बड़ी है, आपको यहाँ पर ये अंदाजा हो जाए। तो भाई सीट इस तरह से रहती है, सीट वाइडर है। पीछे का बैकरेस्ट काफी खूबसूरत यहाँ पर मुझे दिखता है। देखिए इस तरह का कैटेगरी का जो बैकरेस्ट है, काफी शानदार बैकरेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है। और इस तरह से फिलहाल तो बारिश आ चुकी है काफी तेज स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फ्रंट में आपको मैं दिखा दूं। तो भाई इस तरह से कुछ गाड़ी है और अभी मैं चाबी ऑन कर लेता हूं फटाफट से आपके लिए। तो इस तरह से चाबी ऑन करके लाइट ऑन कर लेते हैं आपके लिए। भाई लाइट के स्विच फटाफट से मुझे हाथ में मिल जाए। ये देखिए इस तरह से कुछ उसकी लाइट जल जाती है, फुल लाइट भी काफी शानदार जल जाती है। और उस तरह से इसका पूरा लुकिंग यहाँ पर रहता है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो इस तरह से इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड भी दिखा जाए। पार्किंग लाइट आपको दिख रही है यहाँ पर, सॉरी पार्किंग में खड़ा है। ये स्विच भी दे रखा है इसको हटाने के लिए, आप चाहे तो स्विच से हटा दें चाहे तो आप ब्रेक लीवर से हटा दें, दोनों ऊपर है। यहाँ पर स्विच है आपके अपर डिपर के, इंडिकेटर स्विच है, यहाँ पे हॉर्न है, 1000 स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। चारों इंडिकेटर आपके यहाँ पर ऑन हो जाते हैं। इस तरह से ये आपके इंडिकेटर यहाँ पर ऑन हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको यहाँ से दूर से। इसका लुकिंग यहाँ पर इस तरह से दिख रहा होगा और पीछे से कुछ इस तरह से इसका लुकिंग है। भाई गाड़ी काफी लंबी है लेंथ वाइज। तो पीछे आपको टायर इसमें 10 इंच के आएंगे, पीछे मोटर फिट रहती है पर मोटर काफी पावरफुल आरटीएम आती है। टायर रॉयल को के आएंगे, ट्यूबलेस आएंगे, पीछे मोटर फिट है आपकी। और आगे आपको टायर जो मिलता है वो भी 10 इंच का मिलता है पर ऑफ रोड ग्रिपिंग मिलती है, डिस्क ब्रेक के साथ आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। इस तरह से कुछ ओवरऑल गाड़ी है। भाई इसकी सीट काफी लंबी है, अंडर सीट स्टोरेज में दिखा दूं आपको। भाई इसमें स्टोरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है, बैटरी भी आपकी यहाँ पर लगी रहती है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये आपको 5228 वाली बैटरी मिल जाती है जो कि एक बार चार्जिंग में आपको 80 प्लस की रेंज यहाँ दे देती है, बाकी आपके चलाने के ऊपर रहता है। अभी इसमें क्या है, एसरी फिटेड है यहाँ पर। और इसमें जो बैटरी मिलती है आपको LFP मिल जाती है, लिथियम फेरोफास्फेट, जहाँ आपको वारंटी 3 ईयर की मिल जाती है। वारंटी की डिटेल आपको और मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। और इस तरह से कुछ गाड़ी है, इसमें एक सिस्टम और है, इसमें आपको 2 रिमोट तो मिलते ही मिलते हैं। ये देखिए आपको 2 रिमोट तो दिख रहे हैं, साथ में एक रिमोट और मिलता है FM और म्यूजिक सिस्टम प्ले करने के लिए। इस तरह से इस तो यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह से जब गाड़ी आपकी ऑन रहती है तो आप अलग से इस रिमोट को यहाँ पर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह से ये इसमें यहाँ पर इसमें ब्लूटूथ आपका लगा रहता है, आप मोबाइल से यहाँ पे इसको गाने भी यहाँ पर लेकर, ये ब्लूटूथ मोड आपका यहाँ पे आ रहा है। आप चाहें तो अपने मोबाइल को FM मोड, ये देखिए तो आप यहाँ पे सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, इसमें 2 रिमोट और सिक्योरिटी के सारे फंक्शन आते हैं। गाड़ी काफी अच्छी लुकिंग में आती है, सबसे ज्यादा जो कलर है फेवरेट वो ही यहाँ पर ये बिकता है। फटाफट से इसकी मैं टेस्ट राइड लेके आता हूँ क्योंकि आज हम कहीं हाईवे के आसपास खड़े हैं तो उसकी टेस्ट राइड तो अच्छी खासी हो जाएगी। तो फटाफट से इसकी टेस्ट राइड भी मैं आपको लेकर बताता हूँ। इसकी टेस्ट राइड लेने के लिए हम आ चुके हैं रोड पर और फिलहाल खड़ा है पार्किंग मोड में। तो चाबी ऑन हो चुकी है, ब्रेक लीवर से आप पार्किंग हटा सकते हैं और हम चलने के तैयार है। फिलहाल फर्स्ट मोड में और हम चले। भाई एक बार गॉगल्स के सेट कर लेते हैं क्योंकि इसका पिकअप काफी तेज है। भाई फर्स्ट मोड में आ गया भाई 25 के आसपास पलटी आ चुका है। सेकंड मोड लगा लेते हैं फटाफट से ताकि स्पीड अप जल्दी हो जाए हमारा। चलिए थर्ड मोड लगा के एक बार इसका पिकअप ले लिया जाए मस्त तरीके से। हॉर्न तो बज रहा है इसका, 45 की स्पीड आ चुकी है इसमें। मिरर थोड़े से अच्छे हैं, मिरर सेट कर लिया जाए, मिरर तो प्रॉपर इसके काम कर रहे हैं। चलिए राइडिंग पोस्चर इसका अच्छा है क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा सा नीचे है तो राइडिंग पोस्चर अच्छा है। सीट थोड़ी सी ऊपर है, वाइडर भी है
कुशनिंग काफी अच्छी लग रही मुझे। स्पीड आपको शायद धूप में मेरे ख्याल से नजर तो नहीं आ रही होगी, पर पक्ष हम आए हैं 50 के आसपास, 52 आ चुका है। बाकी इतनी स्पीड आपकी सफिशियंट है, अगर आप इसको चला रहे हैं तो 53 की स्पीड में आप इसे चला सकते हैं, तो ये इतना आपको सफिशियंट रहता है। भाई फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पर मिल रहा है, तो ब्रेक अच्छे यहाँ पर काम करते हैं, ये देखिए। और रियर आपको ड्रम मिलता है, तो दोनों ब्रेक अगर आप साथ में भी अप्लाई करेंगे तो अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाता है। तो आपको दिख रहा होगा 50 तक, क्योंकि थोड़ा सा विजिबिलिटी कम आती है, तो मैं आपको पास से दिखा दूँ एक बार, 52 आ चुका है। एक बार और आपको मैं क्लोज से दिखा दूँ, तो इस तरह से कुछ ये चलता है। उमा का फ्लोरा है और ये अभी कम प्राइस में आ चुका है, तो काफ़ी ठीक ठीक लग रहा है। अपर डिपर के स्विचिंग यहाँ पर, इंडिकेटर के स्विच यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, हजार स्विच का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, मोड यहाँ पर दे रखे हैं, रिवर्स मोड यहाँ पर दे रखा है, और काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर इसमें मिल रहे हैं। इस तरह से है, एक बार हम इसके ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं अच्छी स्पीड में, साइड में लेकर थोड़ा सा। तो भाई ब्रेक तो अच्छे खासे इसमें काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे टायर स्किड हुआ था क्योंकि वो ड्रम है, तो इतने हार्ड आपको पैनिक ब्रेक यहाँ पर मारने ही नहीं है कि आपके टायर यहाँ पर स्किड हो जाए। आप नॉर्मली इसे टायर से लेके चलाएं तो ये हो जाता है। अगेन हम चल जाते थोड़ा सा आगे, थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही है आज, तो रोड तो अभी फिलहाल खाली है। एक अच्छी टेस्ट राइड ले ली जाए आपके लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए। यार ये 65,000 में एक शोरूम आ रहा है, मतलब काफ़ी कम प्राइस में आपको ये मिल जाता है, और हैंडल भी इसका काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और सीटिंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट शानदार है। आगे ग्लव ब्लॉक्स भी दिए हुए हैं, तो अगर आप राइडिंग करते अपना मोबाइल यहाँ पर रखना चाहते हैं तो अपना मोबाइल रख सकते हैं। स्पीड ब्रेकर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, पीछे के सस्पेंशन अच्छे हैं, पीछे से बैक बाउंस सस्पेंशन का नहीं आया, मतलब सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी है। अभी कोमा की में फ्लोरा शुरू में जब आया था तो थोड़ा सा कॉस्टली था, इसमें दो वेरिएंट आते हैं 100 किलोमीटर प्लस और 80 किलोमीटर प्लस, तो फिलहाल ये जो वेरिएंट में चला रहा हूँ ये है 80 किलोमीटर प्लस। फिलहाल बैटरी मेरी 2 सेल ही है, अभी फिलहाल कम चार्ज का शोरूम पर रखा हुआ था, तो मैं फटाफट से ले आया हूँ आपके लिए। बाकी ठीक चल रहा है, पास में चल रही है TVS स्पोर्ट, हम इसको ओवरटेक करके यहाँ से निकले। 50-55 की स्पीड यहाँ पर आ जाती है, तो मार्केट के लिए अगर आप ये लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, और ये अच्छा बैलेंस है, हैंडल काफ़ी अच्छा है, सीट राइडिंग कंफर्ट अच्छा है इसका, कुशनिंग अच्छी है। अगर आप इससे अगर लेना चाहते हैं तो एक बार इसकी टेस्ट राइड जरूर लें। बिना टेस्ट राइड लिए मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगा आपको, मतलब आपको अगर इसको ऑब्जर्व करना है कि यार ये सस्ता है, तो ऐसा तो नहीं कि इसमें क्वालिटी थोड़ी सी कम करी होगी, बाकी इसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये चल काफ़ी अच्छा रहा है इसके हिसाब से, आप देख लें एक बार। तो पीछे से ओवरटेक करने की काफ़ी कोशिश, पर हम एक बार इसको अच्छी स्पीडिंग में चला रहे हैं अभी फिलहाल, आप देख रहे हैं। इसकी टेस्ट राइड तो मैं ले चुका हूं, गाड़ी 50 प्लस यानी 52 पे गई थर्ड मोड पर, और वही फर्स्ट मोड में 25 के ऊपर ये नॉन आरटीओ में ही परफॉर्मेंस करती है, पर गाड़ी चलने में अच्छी है, मतलब राइडिंग कंफर्ट काफी शानदार है, आपके पैर ऊपर नहीं आते हैं। अगर आपका बजट कम है और आपको लिथियम में ही चाहिए तो आप 65,000 में से बाय कर सकते हैं। ऑन रोड प्राइस हमारे शोरूम, जो हमारा जो शोरूम है निम्बाड़ा और चित्तौड़ का जो हमारा शोरूम है, और वहां पर आपको ये 72,000 ऑन रोड यहाँ पर मिल रही है विद एसेसरी, ये एसेसरी लगी हुई है, आरटीओ इंश्योरेंस इंक्लूड है। मात्र 72 में आपको एलएफटी बैटरी, लिपो 4 वाली एडवांस वाली बैटरी मिलती है, एप बेस मिलती है, 3 ईयर की वारंटी आपको मिल जाती है। तो भाई अगर आप इसको लेने में इंटरेस्ट है, हमारे चित्तौड़ और निम्बाहेड़ा शहर के आसपास से हैं, तो आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं हमारे शोरूम के, हमारे शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। दोनों शोरूम हमारे स्टेशन के पास में ही है, चित्तौड़गढ़ में भी कोमा के शोरूम स्टेशन के पास में है, मीरा होटल के पास में है, निम्बाड़ा में बात करूं तो वो भी स्टेशन के पास में ही शोरूम है, तो दोनों शोरूम पर ये गाड़ी फिलहाल अवेलेबल है। तो आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करने करें, वो आपके ऊपर है। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से किसी दिन, नमस्कार, धन्यवाद। तो बारिश भी अच्छी खासी यहाँ पर हो रही है, पीछे आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी पूरी यहाँ पर बारिश में इस तरह से गीली हो चुकी है। फिलहाल इसका FM मोड में बंद कर लेता हूँ इस तरह से, तो इसका मोड हमने बंद करा बड़ी मुश्किल से, ये ऑन हो गया था FM मोड, तो आवाज कर रहा था इस तरह से।